दोस्तों, हर जीव अपने आप को अपने घर में ही सुरक्षित समझता है। प्रत्येक जीव अपने अपने हिसाब से अपना घर अलग अलग बनाते हैं, जिसमें से कुछ तो बहुत ही ज्यादा खास होते हैं, जैसे पक्षियों के घोंसले, जिसे बनाने में ये पक्षी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। हर पक्षियों के घोंसले में उसकी कारीगरी आपको देखने को मिलेगी, जिसे बनाने के लिए ये दूर दूर से सामान लेकर आते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही पक्षियों के घोंसले दिखाने वाला हूँ, जिसे आपने शायद ही कभी देखा होगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 12, रूफोस हॉर्नर। दोस्तों, ये पक्षी साउथ अमेरिका में पाया जाता है। इस पक्षी की घोंसला बनाने की तकनीक बहुत ही कमाल की होती है, जिसके कारण इसे इंजीनियर बर्ड भी कहा जाता है। ये पक्षी अपना घोंसला कीचड़ और घास के तिनकों से बनाते हैं। ये घोंसला मिट्टी से बने होने के कारण बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। इस घोंसले को बनाने के लिए पक्षी को कई बार जाकर कीचड़ और घास लाना पड़ता है। इस घोंसले में एक छोटा सा रास्ता होता है, ताकि सिर्फ पक्षी ही अंदर जा सके और दूसरे शिकारी पक्षियों से बच सके। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितने शानदार तरीके से ये अपना घोंसला बना रहा है। नंबर 11, वुड पैकर बर्ड। दोस्तों, ये पक्षी बहुत ही मेहनती होता है। ये अपने चोंच से लगातार पेड़ के तने को खोदकर अपना खाना ढूंढता रहता है। इसकी चोंच बहुत ही मजबूत और नुकीली होती है। ये एक हथौड़े की तरह होती है, जिसका इस्तेमाल करके ये पेड़ की मजबूत से मजबूत छाल को आसानी से तोड़ देते हैं। सिर्फ 10 सेकंड में ये कम से कम 20 बार चोंच मार देते हैं। अगर बात करें इनके घोंसलों की, तो ये पक्षी अपना घोंसला पेड़ के अंदर बनाते हैं, और उसे बनाने के लिए ये खोखले पेड़ का चुनाव करते हैं, और अपनी मजबूत चोंच से ये पेड़ के अंदर सुराख बनाते हैं, जो अंदर से काफ़ी गहरा होता है। घोंसला बन जाने के बाद ये पक्षी उसे मुलायम बनाने के लिए काई का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दूं कि ये घोंसला बनाने के लिए इन्हें 3 हफ्तों का समय लगता है। नंबर 10, ग्रेट हॉर्नबिल। दोस्तों, ये पक्षी भारत, नेपाल और भूटान जैसे देशों में पाए जाते हैं। इनकी चोंच काफ़ी घुमावदार, लंबी और मजबूत होती है। अगर बात करें इनके घोंसलों की, तो ये पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए पेड़ के खोखले हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ ये आसानी से छेद करके घोंसला बना सके। ये घोंसला पूरी तरह से बंद होता है, जिसे बाहर से कीचड़ से कवर कर दिया जाता है। सिर्फ हवा लेने और खाना देने के लिए छोटी सी जगह छोड़ी जाती है, और अंडे देने के समय मादा पक्षी घोंसले के अंदर बंद रहती है, और वो तब तक बाहर नहीं आती जब तक बच्चे काबिल नहीं हो जाते, और लगभग 3 महीनों तक मादा पक्षी घोंसले के अंदर रहती है, और इस दौरान नर पक्षी खाना लाने का काम करता है और उस छोटे से छेद से खाना देने का काम करता है। नंबर 9, कॉमन टेलर बर्ड। दोस्तों, ये पक्षी हमेशा हरी भरी जगहों पर ही दिखाई देते हैं, जैसे जंगल और गार्डन। अगर बात करें इनके घोंसलों की, तो ये पक्षी अपना घोंसला पेड़ के पत्तों में बनाते हैं, जो कि काफ़ी शानदार तरीका है। ये पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए पेड़ की पत्तियों के किनारे अपनी चोंच से गड्ढा करते हैं, जिसके बाद ये मकड़ी के जालों से उसे सिल देते हैं। और जैसे ही घोंसलों की सिलाई पूरी हो जाती है, उसके बाद ये पक्षी उसमें मुलायम सिल्क रखते हैं, जिसके बाद इनका घोंसला बिल्कुल एक कोन की तरह दिखाई देता है। पत्तों को सिलकर घोंसला बनाने की इस कला के कारण इन्हें टेलर बर्ड कहा जाता है। नंबर 8, हॉर्नेट कूट। दोस्तों, ये पक्षी हमेशा झुंड में रहना पसंद करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पक्षी अपना घोंसला पानी के ऊपर बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसे पक्षी हैं जो अपना घोंसला पानी के ऊपर बनाते हैं, जिसे फ्लोटिंग नेस्ट भी कहा जाता है। अगर बात करें इस घोंसले की, तो ये पक्षी अपना घोंसला पेड़ की छोटी छोटी लकड़ियों और घास का इस्तेमाल करके बनाते हैं, जिससे ये घोंसला पानी में तैर सके। इनके ये घोंसले किनारे से लगभग 40 मीटर की दूरी पर होते हैं। ये पक्षी खासकर मछलियों का शिकार करते हैं,
ताकि अपने बच्चों का सही से पालन पोषण कर सके और खाना भरपूर मात्रा में मिल सके। और यही वो कारण है जिसके लिए पक्षी अपना घोंसला पानी में बनाते हैं। नंबर 7, अफ्रीकन जैकाना। दोस्तों, ये पक्षी भी अपना घोंसला पानी में बनाते हैं। ये पक्षी मछलियों का शिकार करते हैं और स्रोतों वाली जगहों पर अपने अंडे दे देते हैं। बच्चों के बाहर आने के बाद नर पक्षी उन्हें अपने पंखों के नीचे छुपा लेते हैं ताकि बच्चे सुरक्षित और ठंड से बचे रहें। मादा पक्षी बारिश के समय 7 से 8 अंडे दे देती है। ये अंडे सुनहरे रंग के होते हैं जिन पर काली रेखाएं खींची होती है जो देखने में काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। नंबर 6, सोशिएबल वीवर बर्ड। दोस्तों, इनका नाम सोशिएबल वीवर बर्ड इसलिए रखा गया है क्योंकि ये पक्षी झुंड में अपना घोंसला बनाते हैं। इनके एक घोंसले में तकरीबन 100 होल होते हैं जिसमें लगभग 400 पक्षी रहते हैं। ये पक्षी अपना घोंसला पेड़ की ऊंचाइयों में घास की तीलियों और छोटी छोटी टहनियों का इस्तेमाल करके बनाते हैं। कई बार एक पेड़ पर 4 से 5 घोंसले भी देखे जा सकते हैं। अगर पेड़ ज़्यादा बड़ा हो तो इन घोंसलों की संख्या बढ़ जाती है। ये पक्षी सालों साल एक ही घोंसले का इस्तेमाल करते हैं और ये घोंसले वाकई में बहुत बड़े होते हैं। कई बार दूसरे पक्षी भी इन घोंसलों का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये घोंसले दूर से देखने पर एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई देते हैं, क्यों है ना? नंबर 5, यूरोपियन बी ईटर बर्ड। दोस्तों, ये पक्षी हमेशा नदियों और समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। अंडे देने के समय ये पक्षी मिट्टी की दीवारों में सुरंग बनाते हैं जिसमें ये 5 से 7 अंडे दे देते हैं। नर और मादा दोनों अपने घोंसलों की रक्षा करते हैं। ये पक्षी मधुमक्खी, हॉर्नेट और टिड्डों को अपना शिकार बनाते हैं और प्रजनन के समय मादा घोंसले के आसपास रहती है और नर खाना लाने का काम करता है। इनका घोंसला जमीन से ज़्यादा ऊंचा न होने के कारण इन्हें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है क्योंकि इनके घोंसले पर हमेशा सांपों का हमला होते रहता है। नंबर 4, एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी पक्षी का घोंसला खाया भी जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा पक्षी है जो एक ऐसा घोंसला बनाता है जिसे खाया भी जा सकता है। दोस्तों, ये पक्षी साउथ ईस्ट एशिया यानी भारत के अंडमान निकोबार इलाकों में पाए जाते हैं। ये पक्षी अंधेरी गुफाओं में अपना घोंसला बनाते हैं। इनके घोंसले छोटे पॉकेट की तरह होते हैं जो कि गुफा के दीवारों से लगकर होते हैं। ये पक्षी अपना घोंसला सलाइवा यानी अपने लार से बनाते हैं जिसके कारण इसे खाया भी जा सकता है। जब भी सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो ये वाइट गोल्ड की तरह चमकने लगते हैं। आपको बता दूं कि इस पक्षी के घोंसले की कीमत लगभग 3 लाख रुपए तक होती है। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद आप इसे दुनिया का सबसे महंगा घोंसला भी कह सकते हैं। नंबर 3, बाल्ट ईगल। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चील दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी पक्षियों में से एक है। अब पक्षी इतना बड़ा है तो उसका घोंसला भी बहुत बड़ा होगा। इस चील का घोंसला लगभग 9 फीट चौड़ा और 20 फीट गहरा होता है। ये चील अपना घोंसला ऊंचे पेड़ पर सूखी लकड़ी और सूखी घास से बनाते हैं। अगर ये अपने घोंसलों में अपने बच्चों को पालने में कामयाब हो जाते हैं तो अपने उसी घोंसले को हर साल बढ़ाते जाते हैं जिससे चील का पूरा परिवार वहाँ आसानी से रह सके। आपको बता दूँ कि फ्लोरिडा के जंगलों में बाल्ट ईगल का सबसे बड़ा घोंसला पाया गया था जिसका वजन 2000 किलो था। क्यों, सुनकर चौंक गए ना? नंबर 2, हमिंग बर्ड। दोस्तों, ये पक्षी दुनिया के सबसे छोटे और प्यारे पक्षियों में से एक हैं। अगर बात करें इनके घोंसले की तो इनका घोंसला एक कप की तरह दिखाई देता है जिसे ये पक्षी दिन में कई घंटों की मेहनत के बाद बनाते हैं। इस घोंसले को बनाने के लिए 5 से 7 दिनों का समय लगता है। आपको बता दूं कि जमीन से इस घोंसले की ऊंचाई लगभग 60 फीट तक होती है और इसे पेड़ की पतली डाली, रेशम और मकड़ी के जालों से बनाया जाता है। घोंसला बन जाने के बाद पक्षी इसे हरी और सूखी पत्तियों से ढक देते हैं ताकि यह घोंसला आसानी से दिखाई न दे।
ये घोंसला बहुत ही मुलायम होता है और इसकी खास बात यह है कि ये बिल्कुल एक इलास्टिक की तरह होता है, यानी ये घोंसला परिवार बढ़ने पर अपने आकार को आसानी से बढ़ा लेता है। कमाल का घोंसला है ना। नंबर 1, वीवर बर्ड। दोस्तों इसे बुनकर पक्षी भी कहा जाता है। इसका घोंसला दुनिया में सबसे सुंदर माना जाता है। इनका घोंसला आपको ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस घोंसले को मादा पक्षी नहीं बल्कि नर पक्षी बनाता है। इस घोंसले को बनाने के लिए ये पक्षी घास की लंबी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। जब नर पक्षी घोंसले का बेसिक आकार बना लेता है तो मादा पक्षी उसे चेक करती है और अगर उसे पसंद आता है तभी वो उसे आगे बनाने में मदद करती है। घोंसला बनाने की प्रक्रिया 2 से 4 महीनों में पूरी हो जाती है। ये घोंसला इतना मजबूत होता है कि ये बड़े से बड़े आंधी तूफान और बारिश को आसानी से झेलने में सक्षम होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।